हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक। आज के इस एनालिसिस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं फिनोलेक्स केबल शेयर के ऊपर, साथ ही साथ बात करेंगे डीवीज लैब और कोरल लेबोरेटरीज शेयर के ऊपर। इन डिटेल में बात करने वाले हैं। तीनों स्टॉक काफ़ी इंटरेस्टिंग लेवल पर ट्रेड कर रहे हैं, तो टेक्निकली भी बात करेंगे, साथ ही साथ हम लोग फिनोलेक्स केबल के क्वार्टर फोर के रिजल्ट के ऊपर भी बात करेंगे। तो वीडियो को ध्यान से लास्ट तक जरूर देखिएगा, जिससे कि सभी पॉइंट्स बिल्कुल अच्छे से क्लियर हो जाए। तो चलिए अब एनालिसिस को स्टार्ट करते हैं। लेकिन उससे पहले, अगर अभी तक आप लोगों ने टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन नहीं किया है या फिर ट्विटर हैंडल को ज्वाइन नहीं किया है, तो दोनों ही लिंक जो है आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। दोनों ही जगह लाइव मार्केट में काफ़ी सारे चार्ट्स मैं अपडेट करते रहता हूँ, या फिर आपको आफ्टर मार्केट आवर भी, जहाँ पे भी एक अच्छा ब्रेकआउट आ रहा है या फिर आ सकता है, उन सभी चार्ट्स को पोस्ट करते हैं। साथ ही साथ जो है निफ्टी और बैंक निफ्टी के डेली लेवल्स के ऊपर भी जो है आपको डिस्कशन होता है, वहाँ पे चार्ट पोस्ट किया जाता है। तो आप लोग जो है ट्विटर और टेलीग्राम को ज्वाइन कर सकते हैं। और इन केस अगर आप डायरेक्टली ट्रेड करना चाहते हैं, सिर्फ आपके पास समय नहीं है एनालिसिस करने का, तो फिर जो है आप प्रीमियम ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं। अगर आप प्रीमियम ग्रुप को अभी ज्वाइन करते हैं तो 30% का आपको डिस्काउंट मिलेगा। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है, उस लिंक के थ्रू आप टेलीग्राम पे जाके और सारा डिटेल जो है वहाँ पे पढ़ सकते हैं। साथ ही साथ इन केस अगर आपको प्रीवियस 2 मंथ का परफॉर्मेंस देखना है, तो फिर उसके लिए भी जो है आप टेलीग्राम ग्रुप पे जा सकते हैं। सारा डेटा मैंने अपलोड किया हुआ है, जहाँ पे कि आपको किस डेट को कौन सा ट्रेड मिला, क्या एंट्री प्राइस था, क्या स्टॉप लॉस था, क्या टारगेट था, ये सभी पॉइंट्स मेंशनड है। टारगेट हिट हुआ या नहीं हुआ, ये सभी पॉइंट्स मेंशनड है, तो आप जाके चेक कर सकते हैं और फिर जो है उसके बाद आप डिसाइड कर सकते हैं। तो टेलीग्राम ग्रुप का लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, जाके आप कंप्लीट डिटेल्स को वहां पे चेक कर सकते हैं। चलिए बात करते हैं अब चार्ट्स के ऊपर। सबसे पहले बात करेंगे फिनोलेक्स केबल शेयर के ऊपर। इस कंपनी का रिजल्ट आ चुका है, रिजल्ट अच्छा आया है और स्टॉक में एक जोरदार तेजी भी हम लोगों को फ्राइडे के सेशन में देखने को मिला। प्रीवियस 1 वीक की अगर बात करेंगे तो स्टॉक जो है 22% की तेजी के साथ ट्रेड कर रहा है। चलिए बात कर लेते हैं सबसे पहले रिजल्ट के ऊपर। अगर हम लोग क्वार्टर फोर के रिजल्ट के ऊपर बात करेंगे तो 1401 करोड़ का कंपनी ने सेल किया है। अगर हम लोग यहां पे बात करेंगे प्रीवियस 12 क्वार्टर में ये हाईएस्ट एवर सेल है 1401 करोड़ का। ऑपरेटिंग प्रॉफिट की बात करेंगे तो 159 करोड़ का ऑपरेटिंग प्रॉफिट जो है कंपनी ने पोस्ट किया है, और ऑपरेटिंग प्रॉफिट भी अगर देखेंगे तो प्रीवियस 12 क्वार्टर में हाईएस्ट है। ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे कांस्टेंट है, बट ईयर ऑन ईयर बेसिस पे यहाँ पे 1% का गिरावट देखने को मिल रहा है। और अगर हम लोग यहाँ पे बात करेंगे कंपनी के नेट प्रॉफिट के ऊपर तो 146 करोड़ का नेट प्रॉफिट कंपनी ने पोस्ट किया है। इससे पहले आपको 150 करोड़ का जो है कंपनी ने पोस्ट किया था सितंबर 2021 में, और 165 करोड़ का जो है कंपनी ने पोस्ट किया था इन द ईयर सितंबर 2023। तो अगर हिस्टोरिकली देखेंगे तो सितंबर क्वार्टर जो है इस कंपनी के लिए काफ़ी बेहतर रहता है, बट मार्च क्वार्टर में भी कंपनी ने अच्छा परफॉर्मेंस यहाँ पे किया है। ईयर ऑन ईयर बेसिस पे अगर बात करेंगे तो ईयर ऑन ईयर बेसिस पे कंपनी ने अपना हाईएस्ट नेट प्रॉफिट यहाँ पे रजिस्टर किया है। इसके साथ ही अगर बात करेंगे तो ईयर ऑन ईयर बेसिस पे ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन में भी इम्प्रूवमेंट देखने को मिल रहा है। हाईएस्ट एवर जो है एबिटा कंपनी ने 581 करोड़ का पोस्ट किया है, और 5000 करोड़ से ज़्यादा का कंपनी ने यहाँ पे सेल्स भी किया है। फिनोलेक्स केबल की अगर मार्केट कैप की बात करेंगे तो 19616 करोड़ का है। स्टॉक करेंटली 34 के पी पे ट्रेड कर रहा है। रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड जो है 19% का है, और जो है आपको आरओई 14.4% का है। ओवरऑल अगर देखेंगे तो ऑलमोस्ट जो है डेट फ्री कंपनी है, इक्विटी कैपिटल लगातार कांस्टेंट है, रिजर्व्स जो है लगातार इंक्रीज हो रहा है। शेयर होल्डिंग पैटर्न के ऊपर बात करेंगे तो प्रमोटर के पास 35.92% का होल्डिंग है, जो कि लगातार कांस्टेंट है। FII का होल्डिंग 11.58% का है, DII का होल्डिंग 15.87% का है। FII ने यहाँ पे एक अच्छा बाइंग किया है, 0.52% से FII ने बाई किया है, और DII ने यहाँ पे 0.06% से जो है अपने स्टेक को ट्रिम किया है।
रिस्ट पब्लिक के पास है, और पब्लिक के पास भी अगर हम लोग बात करेंगे तो 14.53% फिनोलेक्स इंडस्ट्रीज के पास है। अनिल रामचंद्र चावड़िया जी के पास 3.09% है। तो ऑलमोस्ट अगर हम लोग यहाँ पे बात करें तो जो है तकरीबन आपको 21% के राउंड में एचएनआई के पास है, रेस्ट आपको 15% रिटेलर्स के पास है। कंपनी ने 8 रुपीज पर शेयर का डिविडेंड भी अनाउंस किया है, तो अगर आपके पास स्टॉक है तो आपको ये डिविडेंड मिलने वाला है 8 रुपीज पर शेयर का, जो कि फेस वैल्यू के 2 के ऊपर ये दिया गया है। तो 400% का डिविडेंड भी जो है कंपनी ने अनाउंस किया है। चलिए बात कर लेते हैं चार्ट्स के ऊपर। एक अच्छा ब्रेकआउट इस स्टॉक में देखने को मिल रहा है। स्टॉक जो है अपने ऑल टाइम हाई पे ट्रेड कर रहा है। काफी बढ़िया कंपनी ने रिजल्ट पोस्ट किया है, लेकिन यहाँ पे अगर बात करेंगे तो आपको थोड़ा सा वेट करना चाहिए। क्यों वेट करना चाहिए? क्योंकि स्टॉक में एक जबरदस्त तेजी हो चुका है। स्टॉक यहाँ पे थोड़ा सा कंसोलिडेट कर सकता है, या फिर जो है स्टॉक आपको इस ब्रेकआउट जोन को वापस से रीटेस्ट कर सकता है। दोनों ही केस में वेट करना होगा। एक बार अगर यहाँ पे कंसोलिडेट कर जाता है तो उसके बाद अगर ऊपर की साइड निकलता है तो हम लोगों को इस स्टॉक में जो है एक अच्छा तेजी देखने को मिल सकता है। एक अच्छा ब्रेकआउट भी हुआ है लगातार देखेंगे तो स्टॉक में एक शानदार तेजी ऊपर की साइड में 1600-1700 की तरफ देखने को मिल सकता है। चलिए दूसरे स्टॉक के ऊपर बात करेंगे। दूसरा स्टॉक है डेवीज लैब। डिवीज लैब के शेयर में लगातार गिरावट देखने को मिल रहा था। स्टॉक ऊपर के लेवल से अगर देखेंगे तो ट्रेंड लाइन के नीचे लगातार ट्रेड कर रहा था। ट्रेंड लाइन का ब्रेकआउट किया, ब्रेकआउट करने के बाद रीटेस्ट किया, और रीटेस्ट करने के बाद स्टॉक लगातार इसके ऊपर ही ट्रेड किया। अब जाके स्टॉक ने एक हॉरिजॉन्टल रेसिस्टेंस को भी ब्रेकआउट कर दिया है। 4100 के लेवल के ऊपर स्टॉक ने क्लोजिंग दे दिया है। तकरीबन अगर बात करेंगे तो 2 ईयर के बाद स्टॉक ने इस लेवल के ऊपर क्लोजिंग दिया है। तो एक ट्रेंड रिवर्सल हम लोगों को यहाँ पे देखने को मिल रहा है। तो स्टॉक में जो है एक अच्छा तेजी अब ऊपर की साइड में हो सकता है। काइंड ऑफ राउंडिंग बॉटम पैटर्न जो है स्टॉक यहाँ पे क्रिएट करता हुआ दिख रहा है। स्टॉक ऊपर की साइड में जो है ऊपर की साइड में स्टॉक जो है आपको नेकलाइन की तरफ जा सकता है। नेकलाइन जो है वो है आपको 5400 की साइड, यानी कि स्टॉक में जो है करंट लेवल से ऑलमोस्ट यहां पे अगर बात करेंगे तो 1300-1400 पॉइंट का एक अच्छा तेजी देखने को मिल सकता है। और एक बार अगर ये पैटर्न पूरा हो जाता है और उसका अगर ब्रेकआउट हो जाता है तो फिर एडिशनल हम लोगों को यहाँ पे 2000 पॉइंट से ऊपर का तेजी भी देखने को मिल सकता है। तो इस स्टॉक में जरूर जो है यहाँ पे ध्यान रहना चाहिए, जिससे कि स्टॉक का आप बेनिफिट ले सके इस ब्रेकआउट का। लास्ट स्टॉक की बात करेंगे तो लास्ट स्टॉक है कोरल लेबोरेटरीज। कोरल लेबोरेटरीज जो है आपको एक इम्पॉर्टेंट लेवल पे ये स्टॉक ट्रेड कर रहा है। मल्टी ईयर ब्रेकआउट देने के लेवल पे स्टॉक जो है यहाँ पे ट्रेड कर रहा है, क्योंकि स्टॉक जो है आपको 2018 के अप्रैल मंथ से ही इस लेवल के नीचे लगातार ट्रेड कर रहा है। 580 के नीचे लगातार ट्रेड कर रहा है। अभी अगर देखेंगे तो स्टॉक जो है काफ़ी अच्छा यहाँ पे एक पैटर्न का फॉर्मेशन कर चुका है। स्टॉक अगर इस लेवल के ऊपर निकलता है, 580 के लेवल के ऊपर निकलता है, तो ये एक मल्टी ईयर ब्रेकआउट होगा और स्टॉक जो है ऊपर की साइड में 1000-1200 ये सभी लेवल्स को टच करने के लिए जा सकता है। तो एक बहुत ही जबरदस्त तेजी इस स्टॉक में देखने को मिल सकता है। तो आप इस स्टॉक को वॉच लिस्ट में ऐड करके रख सकते हैं, ब्रेकआउट का वेट करेंगे। एक बार ब्रेकआउट आएगा तो फिर इस स्टॉक में हम लोग ट्रेड को इनिशिएट कर सकते हैं। इनकेस अगर आप खुद से ट्रैक नहीं कर सकते हैं तो आप इस चैनल को फॉलो कर लीजिए, सारा अपडेट आपको मिलता रहेगा। आई होप आप लोगों को सभी पॉइंट जो है बिल्कुल क्लियर हो गए होंगे। आप लोगों को वीडियो पसंद आया हो, एनालिसिस अच्छा लगा हो, वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।